अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हबीबा, हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और डोसा के साथ खाए जाने वाले मूंगफली की चटनी। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और बहुत ही झटपट टेस्टी बनने वाली है। तो आइए झटपट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाई हुई एक कढ़ाई, उसे गर्म कर ली हूँ और उसमें मैंने डाली हूँ मूँगफली। मूँगफली को हम धीमे धीमे आग में अच्छे से रोस्ट करेंगे। और आप सभी से मेरी एक निवेदन है गाइस, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बिना स्किप किए मेरे वीडियोस को पूरा देखिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइज़, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बिना नमक के मैं यहाँ पर मतलब भूज रही हूँ मूँगफली को। लेकिन मुझे, मैं पर्सनली बोलूँ तो नमक के साथ ही आप लोग कीजिएगा, इसे हल्के हाथों से भूनिएगा तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ आप लोग की मर्ज़ी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नमक के साथ में अगर भूनते ना तो इक्वली सब तरफ से वो भून जाता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, कहीं से काला कहीं से वो सादा, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। और नमक के साथ भूनने से क्या होता है ना कि वो इक्वली सब जैसा कलर उसका चेंज होता है लेकिन वो जलता नहीं है कहीं से भी, और टेस्ट वाइज भी वो बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट फीका फीका जैसा लगता है और उसका टेस्ट जो रहता है ना नमकीन रहता है, बिना नमक का भी आप इसको आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम धीमे धीमे आँच में इसे भूनते हैं और आपको कंटिन्यू ऐसे हाथ हिलाते रहना है। अगर आप हाथ अगर रोकेंगे तो आपका मूँगफली नीचे से बैठ जाएगा तो फिर वो तीतापन आ जाएगा, कड़वापन आ जाएगा चटनी में, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे धीमे धीमे हाथों से भूनते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कितना टाइम इसमें जाएगा और क्या करेंगे, टेस्ट और अच्छा है। उसके बाद जैसे ही वो उसे हम रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो उसे किचन टावल में रखेंगे और रख के चारों तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके हम इसी में अच्छे से रब करेंगे ताकि आपका किचन भी मेसी ना हो और आपका काम भी बड़ा आसान हो जाए। देखिए मैं इसे रब कर रही हूँ और जो बच जाए ना उसे थोड़ा बहुत अपने हाथों से आप ऐसे निकाल दीजिए। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप निकाल दीजिए क्योंकि ये मैं गरम गरम में ही कर रही थी इसके वजह से। और उसके बाद मैंने क्या कि ना एक बड़े से बोल में रख दी और जो पूरी जिससे छानते ना वही वाला बड़ा वाला ले लेंगे, उसी से हम ऐसे हिलाते हुए सारे छिलकों को अलग कर देंगे और मूँगफली अलग कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या कि यहाँ पे ऐसे अलग अलग बार बार मैं करती जा रही और दूसरे बॉल में मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि किचन भी मेसी नहीं होता है और काम भी बहुत आसान हो जाता है। आप मेरे बताए गए इस तरीके से एक बार बनाइए और बना के ज़रूर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए बाकी जो बचा है उसको भी मैं हाथों से रगड़ रही हूँ। और नमक के साथ मेरा कभी ऐसा इशू नहीं हुआ है, नमक के साथ मैं भूनती हूँ ना तो बड़े आसानी से निकल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्यूरी कर ली, बाकी का जो बचा हुआ है मैं साथ में ही पीस दूँगी, इससे टेस्ट का ख़राब नहीं आएगा, अच्छा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं मिक्सी की जार में ले रही हूँ सारा मूँगफली और मूँगफली के डालते ही उसमें हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। मेरा लहसुन की कलियाँ थोड़ा बड़ा था तो मैं 3 या 4 ली हूँ, अगर आपके पास छोटा वाला हो तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और इसमें बेसिकली जाता है सूखी मिर्ची, तो मैं सूखी मिर्ची इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा लेके आई थी मार्केट से और वो ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं इसका पेस्ट बना के रखी थी। तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दी हूँ हरी मिर्ची ताकि मेरा वेस्ट ना जाए हरी मिर्ची। और खटास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट विनीगर, आप विनीगर की जगह में नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, पहले एक बार ग्राइंड करके 1 से 2 सेकंड के लिए, उसके बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे क्योंकि मूँगफली बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्ब कर लेता है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम एक बार इसे खोल के चेक कर लेते हैं क्योंकि, तो देखिए पानी इसमें जो भी मैंने विनीगर डाला था वो अब्सॉर्ब कर लिया। अब मैं इसमें वापस से डाल रही हूँ पानी
और पानी डालती के साथ हम इसे वापस से पीस लेंगे। तो देखिए मैंने पीस ली हूँ, पानी थोड़ा लगता है इसमें और ऐसे ही पानी दे देकर पीस कर कितना घट ये होता है। देखिए आपको मैं निकालूँगी कि ये निकलते नहीं है, और आपको थोड़ा पानी देकर इसे मैंने पीस के, देखिए मैंने सारा पीस लिया। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक कि इसमें तड़का नहीं लगेगा। तो तड़के के लिए सबसे पहले मैं गैस पे बैठा रही हूँ तड़का पैन। और गैस मैं जो ये आपको बता रही हूँ ना, एज़ इट इज़ अन्ना लोग होटल में ऐसे ही डालते, मैं काफ़ी बार देखी हूँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप ऐसे बनाइए तो आपको काफ़ी टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैंने ऐसे तड़का पैन रखी, तड़का पैन गर्म होते ही मैं डालूँगी सबसे पहले उसमें राई। तो राई डालेंगे क्योंकि राई तो साउथ इंडियन का जान है खाने का, तो राई हम चटकने देंगे थोड़ी देर, गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर की उड़द दाल। उड़द दाल और चना दाल ज़रूर आप डालिए, एक चम्मच में डालूँ चना दाल, क्योंकि यही चीज़ होती है जो चटनी और साउथ इंडियन खाने की जान होती है। आप सांभर मसाला का पैकेट ले लीजिए, उसमें देखिए या किसी भी आप साउथ इंडियन मसाले के पीछे आपको उड़द दाल, चना दाल और सूखा खोपड़ा का पाउडर मिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, इंग्रेडिएंट्स पे लिखा रहेगा। तो चलिए हमारा ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, मैं इसे कंटिन्यू हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि एक बड़ी सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब जैसे हल्का गोल्डन ब्राउन निकलना तो इस स्टेज में हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते। और गैस जब आप कड़ी पत्ता डालेंगे तो प्लीज़ दूर होकर थोड़ा डाला कीजिए, क्योंकि बहुत चटकता, और मैं तो फ्रीज से निकाल के डाली थी, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही चटक रहा था। तो इसे भी क्विक मिक्स करते हैं और हम इसे देखिए कितना खूबसूरत कलर आएगा, और ये आपकी चटनी को एक अलग ही मिठास देगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर चुके हैं, अब हम चटनी में इसे डाल देते हैं। तो इस वक्त आपको लगता होगा कि ये चटनी में कितना तेल है, लेकिन फ्रेंड्स ये पूरा तेल अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हम इसे कच्चा पानी से बनाए ना, तो इसे थोड़ा तेल डाल के हम इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे ना, तो ये इसका शेल्फ लाइफ जो है ना वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा इसका शेल्फ, तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए देखिए अब आपको तेल नहीं दिखता होगा, और मूँगफली के तेल से बनाने से इसका टेस्ट और भी लाजवाब और भी टेस्टी हो गया था। तो इसको मैं ऐसे ही बना के अभी आज बाहर रखूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह इडली भी बनाना है, तो मैं ऐसे ही रख दूँगी बाहर। और आप लोग भी मेरे बताए हुए अंदाज से बनाइए, बना के खाइए, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं, गुड नाइट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। तो आप लोगों ने चटनी का तो व्लॉग, चटनी का रेसिपी देखा था, मैंने बोली थी आपको सुबह में बताऊँगी मैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ रवा, तो मैं यहाँ एक कटोरी रवा ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरी से एक कटोरी रवा पहले ऑलरेडी ले चुकी हूँ, वापस से मैं ले रही हूँ इसी कटोरी से एक कटोरी रवा, और ये एकदम बारीक वाला जो चिरौती रवा बोलते हैं ना, एकदम बारीक, तो ये वही रवा है, इसे भी हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है गाइस, बारिश के वक्त में कचरा वगैरह रहता ही है। तो चलिए अब इसमें उसी नाप से हम दो कटोरी भर के इसमें डालेंगे दही। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी कटोरी से पहले मैंने डाली एक कप, और वापस से मैं डालूंगी इसमें भी एक कप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें वापस से एक कप डाली, अब हम इन दोनों को अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी, जिस कप में हमने दही निकाला ना उसी कप में एक कप भर के मैं पानी निकाल रही हूँ, उसे डाल दे रही हूँ। आप लोग बैचेस में डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं डाल दी हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा।
अच्छे से करना है मिक्स। इस स्टेज में ना हम इसे हटा देंगे और हम लेंगे एक विस्कर। तो जो भी गांठे वगैरह है वो निकल जाएगी। चलिए इस स्टेज में ना हम सूजी थोड़ा फूलती है तो उसे फूलने के लिए रखते हैं ढक करके। इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, जब तक के लिए मैं मेरी चाय पी लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया है, तो देखते हैं हमारा सूजी का बैटर कैसा है। पहले से ये काफ़ी सोक कर लिया है सूजी ने, क्योंकि सूजी सोक करती है ना, और ये बारीक वाला है तो ज़्यादा नहीं सोक करेगी। लेकिन अगर आपका पास बारीक वाला नहीं है तो आप जाड़े वाले को क्या करें ना, थोड़ा मिक्सी में घुमा लेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा हो जाएगा। तो चलिए अब इस स्टेज में मैं क्या करूँगी ना, मैं आधा का बनाऊँगी और आधा का बाद में बनाऊँगी। तो अभी से अगर इसमें मैं इनो वगैरह डाल दूँगी तो वो डीएक्टिवेशन होना चालू हो जाएगा, तो मैं इसको आधा कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा, जैसा आपको अच्छा लगता हो। और यहाँ पे साथ ही में मैं डालूँगी एक चम्मच सिर्फ तेल। इससे क्या होता है ना, हमारे इडली अंदर से सॉफ्ट और मुलायम होता है। तो चलिए अब हम इसे भी करते हैं अच्छे से मिक्स। तो चलिए अब हम इसे ऐसे ढक के रखते और करते हैं हमारी बाकी की तैयारियां। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेना है और उसमें मैं रखती हूँ पानी। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं गैस की फ्लेम को करती हूँ ऑन, एकदम स्लो कर देती हूँ और इसे हम गर्म होने के लिए रखते हैं। तब तक के लिए ना मैं अपने इडली मोल्ड को ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने के लिए क्या करना है ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा आप तेल इसमें ऐसे सब में आप थोड़ा थोड़ा तेल डाल दीजिए और एक ब्रश की मदद से या हाथ की हेल्प से आप इडली मोल्ड को ग्रीस कर दीजिए। ग्रीस करने से क्या होता है ना, आपका इडली बहुत आराम बहुत ईजीली निकल जाता है। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ये सब कर लेते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप सोचेंगे इनो डालने के बाद करेंगे, तो इनो जब आप एक बार डालेंगे ना तो इनो डालने के बाद आपको डायरेक्ट फिर उसको स्टीम देने के लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनो जो है ना डीएक्टिवेशन होना चालू हो जाता है। तो इस चीज़ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये जो मतलब इडली है ना, कोई भी मतलब खा के नहीं बताएगा, कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये चावल और दाल का नहीं है, ये रवा और दही का इडली है। चलिए मैंने सारे को ग्रीस कर ली हूँ, अब हम इसमें इनो मिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालते हैं एक इनो का शैशे, जो सिंपली जो आता है ना रेगुलर इनो फ्रूट सॉल्ट, आप या तो ब्लू वाला डालेंगे या तो फिर आप डालेंगे ग्रीन वाला, और ऑरेंज फ्लेवर वगैरह वाला नहीं आप डालेंगे। तो चलिए मैं इसमें एक शैशे डाल देती हूँ और उसी में मैं डालती हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि वो डीएक्टिवेट होना चालू हो जाए, सॉरी एक्टिव होना चालू हो जाए। अब हम इसे बहुत ही जेंटली इसे मिक्स करेंगे चारों तरफ, ताकि हर जगह हमारा इनो मिक्स हो जाए। अगर आपके पास में इनो नहीं है या आप नहीं पसंद करते तो इस जगह पे आप खाना सोडा भी ले सकते हैं। आप बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, फटाफट इडली मोल्ड में डालना चालू कर देते हैं।
आप एक ऐसा चम्मच या स्पून आप कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए। पूरा पूरा नहीं भरना है हमें गाइस, थोड़ा ही थोड़ा भरना है, क्योंकि ये राइस होगा ना तो फिर ये बाहर आएगा। और ऐसा वाला चम्मच अगर आपके पास हो तो इससे बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो चलिए मैं एक के ऊपर एक डालते जा रही हूँ। इसी के लिए मैं चटनी का प्रिपरेशन रात ही में करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि चटनी जो है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरे वाले में पानी गर्म होने के लिए रखी थी, तो उसको मैं यहाँ ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो देखिए स्टीम होना चालू हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो मीडियम, इसे हम रख देंगे और लग के इसे हम ढक देंगे, और ढक के हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए मैं जब तक हमारा इसमें इडली स्टीम हो रहा है तब तक मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्टीमर है तो उसका मैं ये मोल्ड निकाली, इसको मैंने ग्रीस करके इसमें मैं पोर करके रखती हूँ। जब तक मैं इसको निकालूँगी और इसको फटाफट से डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इडली रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे पहले गैस की फ्लेम को करेंगे स्लो और बड़े आराम से हम इसे निकालेंगे, क्योंकि इस स्टेज में ये बहुत गर्म रहता है, हाथ में आपका भाप ना लग जाए। और इसी में हम इसमें दूसरे वाले को डाल देते हैं, तो इसे भी हम स्टीम होने के लिए रखते हैं। और पहले वाले को क्या करेंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पहले वाले को क्या करना है ना, हमें ऐसे करके थोड़ा खोल के रखना है ताकि इसका भाप निकल जाए, ठीक है। और आज थोड़ा देरी हो गया है, 6:30 बज गया, 7 बजे स्कूल का क्लास है, तो इसी के लिए फटाफट इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्योंकि गर्म में डीमोल्ड अगर करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो हम इसे ठंडा होने, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं आपको डीमोल्ड करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा दूसरा बैच भी हो चुका है और ये एकदम परफेक्ट बना है। तो हम इसे ऐसे ही थोड़ा देर भाप में रहने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है ना, आपको चाकू की मदद से इसकी एजेस को, देखिए मैंने एक निकाली हूँ, एकदम सॉफ्ट इडली देख सकते हो। आप एक बार बनाइए और बना के खाइए, आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो देखिए मेरी बेटी का स्कूल का नया टिफ़िन बॉक्स है, इसे मैंने धो के साफ़ करके रख ली थी। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी इडली, उसका 4 में हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड लोग जो है ना उसको खाने ही नहीं देती है, इसके लिए मैं उसको एक्स्ट्रा दे रही हूँ। क्योंकि शेयर करके ही खाना पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने उसको 6 इडली दे दी हूँ। साथ ही में इस वाले में मैं दूंगी उसे 2 चटनी। दूसरे वाले में मैं दे रही हूँ 1 डार्क चॉकलेट का फैंटेसी और 1 पेपर कोट। चलिए मैं उसका टिफिन बॉक्स रेडी कर देती हूँ। यहाँ चम्मच और स्पून है,
कर लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी इडली बना ली है और चटनी के साथ मैंने सर्व की। मेरी बेटी तो स्कूल चले गई लेकर के। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी? मेरी रेसिपी आज का थोड़ा शॉर्टकट में था, किसी दिन फुल डिटेल्स के साथ रेसिपी अपलोड करूँगी। मैं ऐसे ही बना देती तो सोची मेरी वाइटी फैमिली के साथ मैं शेयर कर लूँ। ये सूजी का इंस्टेंट है, एकदम सॉफ्ट और देख रहे आप इसका स्पॉन्जी जारी, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनता है। तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से बनाइए और बना के अपने बच्चों को, घर परिवार को, बड़े बुजुर्गों को खिलाइए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।